हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ घर पर ही एकदम बाज़ार जैसा सांभर मसाला बनाने की रेसिपी। और इस मसाले को हम बहुत ही सिंपल तरीके से घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की ये सांभर मसाला बनाने की रेसिपी। घर पर सांभर मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून तुअर दाल यानी कि अरहर की दाल, एंड हमें चाहिए 2 टेबल स्पून उड़द दाल, 2 टेबल स्पून चना दाल, एंड मैंने लिया है यहाँ पर 1 छोटा कप साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, आधी छोटी चम्मच राई के दाने, 1 चम्मच काली मिर्च, एंड मैंने लिए हैं यहाँ पर 4 से 5 करी पत्ते। आप चाहें तो इनकी जगह फ्रेश करी पत्ता भी ले सकते हैं। एंड मैंने ली है 10 से 15 साबुत लाल मिर्च, 1 पिंच हींग, 1 टेबल स्पून मेथी दाना, एंड मैंने लिया है यहाँ पर 1 टेबल स्पून जीरा। अभी हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और उस पर एक पैन रखेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। धनिए को इस तरीके से चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। आपको इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे भूनना है, तो इसे इस तरीके से चलाते रहें। अभी आप देख सकते हैं ये जो धनिया है इसका कलर हल्का सा डार्क हो चुका है, तो अभी हम इस धनिए को हल्का सा ठंडा होने देंगे। धनिए को हल्का सा ठंडा होने के बाद अभी हम इसे एक जार में पलट देंगे। अभी हम वही सेम पैन वापस गैस पर रखेंगे, एंड अभी हम इसमें ऐड करेंगे उड़द दाल, चना दाल, तुअर दाल, मेथी दाना, जीरा, एंड एक बार फिर से गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भुनने देंगे। आप चाहें तो इसे मीडियम गैस की फ्लेम पर भी भून सकते हैं। इन्हें भी हल्का सा कलर चेंज होने तक भुनने देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इनका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें भी हल्का सा ठंडा होने देंगे, एंड इन सभी चीज़ों को एक जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने इन्हें भी उसी सेम जार में ट्रांसफ़र किया है। अभी हम पैन में डालेंगे राई। एक बार फिर से गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे। याद रखें, आप जब राई को भूनें तो उसे इस तरीके से चलाते रहें, अदरवाइज राई चटकेगी। तो राई को भी हल्का सा भूनने के बाद इसे भी हम उसी सेम जार में पलट देंगे, एंड अभी हम इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्च, करी पत्ता, काली मिर्च, एंड अभी हम इसमें ऐड करेंगे हींग। एक बार फिर से गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इन सभी चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। याद रखें कि इन सभी चीज़ों को भूनते समय आपको गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। इन्हें हल्का सा भूनने के बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। हल्दी को भी हल्का सा भून लेंगे। अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे भी उसी सेम जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी मैंने इन सभी चीज़ों को एक ही जार में ट्रांसफ़र कर लिया है, तो अभी हम इन्हें अच्छे से बारीक पीस लेंगे। अभी हम जार का ढक्कन हटाकर चेक करेंगे। अभी हम इसे स्पून की हेल्प से इस तरीके से चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम बारीक पिस चुका है। अगर आपको ये हल्का दरदरा लगे तो आप इसे एक बार फिर से पीस लें। तो अभी हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो है ना फ्रेंड्स, घर पर ही सांभर मसाला बनाना कितना आसान।
तो अगर आपको ये सांभर मसाले की रेसिपी यूज़फुल लगी हो तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।